हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनव और स्वागत है आपका अपने चैनल क्विजीन गैलरी में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डिश की रेसिपी जिसका नाम है स्वीट मैंगो मलाई रोल। रेसिपी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ में दबाएँ बेल बटन जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए अब हम मैंगो मलाई रोल बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे, रखेंगे पैन गरम होने के लिए। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी, साथ ही ऐड कर लेंगे 750 ग्राम फुल क्रीम दूध। तो यहाँ पर मैंने सारा दूध ऐड कर लिया है। गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे और दूध को गरम होने देंगे। दूध हमारा अच्छा गरम हो चुका है, एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 7 से 8 केसर के धागे जिससे बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसे इस तरीके से हर थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध को हमें इतना गाढ़ा करना है कि ये अपनी क्वांटिटी का हाफ हो जाए। इस तरीके से चलाते हुए और किनारों पे लग रही मलाई को इसमें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो दूध को गाढ़ा करते मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। दूध हमारा अपनी क्वांटिटी का हाफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 4 से 5 चम्मच शक्कर और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे लगातार चलाते हुए। तो शक्कर डालने के बाद इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे आम का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 आम का पेस्ट लिया है। यहाँ पर मैंने दशहरी आम का यूज़ किया है, आप कोई सा भी आम यूज़ कर सकते हैं, पर जो भी आम आप यूज़ करें वो पका और मीठा हो। तो करीब 5 से 6 चम्मच हम आम का पेस्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो आम डालने के बाद इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे कुटी हुई इलायची फ्लेवर के लिए और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम रख देंगे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए। तो ये ठंडा हो चुका है, अब इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इसे हम विस्क की सहायता से अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, पर इसे मैं विस्क की सहायता से फेंट लूँगा जिससे कि इसका टेक्सचर स्मूथ और क्रीमी हो जाए। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी हो चुका है। अब इसे हम रख देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तब तक हम चलते हैं अगले स्टेप में। गैस ऑन करेंगे, रखेंगे पैन गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, साथ ही ऐड कर लेंगे 1 फुल कटोरी दूध। दूध को हल्का गुनगुना गर्म होने देंगे। दूध हमारा हल्का गुनगुना गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम लो कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा मिल्क पाउडर ऐड कर लिया। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पका लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे बचा हुआ आम का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा आम का पेस्ट ऐड कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे।
अब इसमें हम ऐड कर लेंगे बारीक कटे ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने बारीक कटे काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी और अखरोट लिया है। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं इसे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसके गाढ़ा होने तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो ये गाढ़ा हो चुका है, इससे ज़्यादा इसे हमें गाढ़ा नहीं करना है। गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। फाइनली इसमें हम ऐड कर लेंगे कुटी हुई इलायची फ्लेवर के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में, जिसमें हम रोल बनाने के लिए ब्रेड को बेल के और काट के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड ली है, ब्रेड आपको फ्रेश लेनी है तो बेलन की सहायता से इसे इस तरीके से हल्का सा बेल लेंगे और चाकू की सहायता से इसके किनारों को काट लेंगे। हमें इसका केवल बीच वाले पार्ट का यूज़ करना है। तो इस तरीके से सारे ब्रेड को हम बेल के और काट के इसके बीच वाले पार्ट को निकाल लेंगे। ब्रेड आपको फ्रेश लेनी है, तभी आपके रोल का स्वाद अच्छा आएगा। तो ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड को काट लिया है। तो इधर हमारा मिश्रण भी ठंडा हो चुका है, जिसे हमने गाढ़ा किया था। तैयार मिश्रण को हम इस तरीके से ब्रेड पे लगाएंगे, अच्छे से फैलाते हुए। अच्छे से फैला लेंगे इसे। अब इसे हम इस तरीके से रोल कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो सेम इस तरीके से हम सारे ब्रेड पे इसे लगा के रोल कर लेंगे। मिश्रण आपको अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, तभी आपके रोल का स्वाद अच्छा आएगा। इसलिए मिश्रण लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सारे मिश्रण को ब्रेड पे लगा के रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे सर्विंग प्लेट। तैयार रोल को इसमें हम रखेंगे। इधर जो हमने दूध गाढ़ा किया था वो भी ठंडा हो चुका है। अब इसे इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं बारीक कटे पिस्ते और बादाम और कटे हुए आम के पल्प से। तो इसे मैंने गार्निश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, स्वादिष्ट मैंगो मलाई रोल बनके तैयार है। इसे आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, यह आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।